मैंने वीडियो नंबर 41 में आपको बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे नंबर्स को लगाते हैं, आज हम सीखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे क्या था, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर आता है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हम सबसे बड़ा जो है डिजिट वो रखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा नंबर आता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये कितने डिजिट्स के हैं। जैसे इसमें कितने डिजिट्स हैं, 2, इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 1, ठीक है। तो 1 को पहले आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि 2 आ रहा है ना सारा पहले, है ना, तो 1 को पहले आप लिख लीजिए, मतलब अलग कर लीजिए, ठीक है। फिर ये इसमें भी 2 ही हैं डिजिट्स, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 ही हैं, ठीक है, 5 और 6 जैसे हैं, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया। तो सिंगल डिजिट को तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, भूल जाइए, क्योंकि उसको हम सबसे एंड में रखेंगे। सबसे छोटा नंबर नेचुरली, चाहे वो 9 है ना, ये 3 से शुरू हो रहा है, पर ये 37 है ना डिजिट, जो नंबर है वो 37 है, फिर भी वो 9 से बड़ा ही है ना। तो सिंगल डिजिट को सबसे एंड में रखेंगे, क्योंकि बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा 9 ही होगा, ठीक है। आप जो हमारे पास 2 डिजिट्स वाले नंबर्स हैं उनमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। ये जैसे मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताया था, वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपने देखना है कि जो फर्स्ट वाला आपका डिजिट है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 3 है, ये 7 है, तो नेचुरली 3 को तो भूल ही जाओ, क्योंकि 7 उससे बड़ा आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 6, तो अभी 7 को माइंड में रखना है आपने, ध्यान से देखना है कि 7 के नीचे फिंगर रख लो, और 7 के बाद आ गया 65, 6 है ना यहाँ पे, तो नहीं, मतलब 7 वाला ही बड़ा होगा। फिर यहाँ पे आ गया 1, नहीं, 7 वाला ही बड़ा होगा। फिर यहाँ पे आ गया 5, नो, 5 से बड़ा 7 होता है। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा हो गया हमारा, 74, 74 हो गया ना। कॉमा मैंने आपको पहले भी बताया था, असेंडिंग ऑर्डर में कॉमा लगाते हैं, इसको कॉमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जब हमारा 74 यहाँ पे आ गया, तो हम उसको लाइट सा काट देंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब 7 वाला और कोई देख लेंगे, 7 वाला तो नहीं है उससे नीचे। अब आप देखिए 7 से नीचे क्या होता है, 7 से नीचे अगर आप बैक काउंटिंग करते हैं तो 7 से नीचे क्या आता है, 6 आता है ना। तो देखिए 6 से कोई नंबर है, यस बिल्कुल है, लेकिन 6 से एक ही नंबर है ना, और कोई नंबर तो नहीं है, क्योंकि अगर 6 से एक और भी हुआ तो उन दोनों में भी देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है ना। तो पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 से एक ही नंबर शुरू हो रहा है, जो कि है 65, तो यहाँ पे आ जाएगा 65 को कट कर दीजिए थोड़ा सा। फिर उसके बाद 6 था यहाँ पर, 6 के बाद 6 से नीचे क्या आता है, 5, तो देखिए 5 डिजिट से कौन सा नंबर शुरू हो रहा है, 56, और तो कोई नहीं है इसमें जो 5 से शुरू हो रहा है, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा कॉमा लगाकर 56, और 56 को भी हम कट कर देंगे अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। इसके बाद 5 से नीचे क्या आता है, अगर हम बैक काउंटिंग करते हैं, 5 से पहले आता है 4, लेकिन हम देख रहे हैं कि 4 से कोई भी नंबर शुरू नहीं हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, यस हो रहा है, 37, तो यहाँ पर कॉमा लगा के 37 आ जाएगा, ठीक है, 37 को भी कट कर दिया। अब हमारा बच गया 9 और 30, 9 को तो अभी हमने देखना नहीं है, जो बचा है वो है 13, ठीक है, एक ही बचा है हमारा डबल डिजिट वाला, उसको हमने यहाँ लिख दिया, और सबसे नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ऊपर से नंबर चढ़े, नीचे 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 की तरफ हम चलते चले गए, ठीक है। तो इस तरह से होता है इसका, ऊपर से आए नीचे की तरफ, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, डिसेंडिंग में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, असेंडिंग में नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड जो है वो आप करने की ट्राई करिए, इसमें देखेंगे हम कि कितने हैं, इसमें भी 6 नंबर्स ही हैं, और वो कितने कितने डिजिट्स के हैं, 3 डिजिट भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, पर मैंने इसमें 3 डिजिट वाला कोई नहीं रखा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी। और अगर आप चाहोगे तो 3 डिजिट्स के साथ भी आपको मैं सिखा दूंगी, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि 3 डिजिट्स के साथ भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर सिखा दो। यहाँ पर है 63, यहाँ पर है 8 क्या है, ये 2 डिजिट्स है, और ये कितना है, 1, तो इसको तो अंडरलाइन कर दो, क्योंकि ये तो अभी हमारे काम का नहीं, ये सबसे एंड में आएगा। फिर उसके बाद है 34, 44, 69, 72, तो सब में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है 6 से ऊपर कोई है, 3 तो 6 से नीचे ही आता है, 4 भी 6 के नीचे ही आता है, यहाँ पर देखिए एक और है 6 से, ठीक है, 69 एंड 63,
और सबसे पहले, और उसके बाद सिक्स से ऊपर कोई है देखेंगे, सेवन से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अभी सबसे बड़ा जो है वो नंबर हमारा हो रहा है सेवन से शुरू, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, इसको हमने कट कर दिया, ठीक है। अब हमारा सेवन से पहले क्या आता है, बिफोर क्या आता है, सेवन से बिफोर मतलब पहले सिक्स आता है, तो सिक्स से हमारा शुरू हो रहा है, तो 69 और एक 63। अब आपको ये देखना है कि 63 बड़ा है या फिर 69 बड़ा है, 69 बड़ा है ना, क्योंकि 9 बाद में आता है, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 भी गिनते हैं, तो 9 बाद में आता है, 3 पहले आता है, तो जो बाद में आता है उसको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमने बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। 69 गया, 6 से एक और नंबर है, अब आ गया 63, ठीक है। अब 6 इसको भी हमने कट कर दिया, तो अब जो 6 जो हमारा डिजिट है उसके पहले क्या आता है, 5। 5 से कोई नंबर शुरू हो रहा है, नहीं शुरू हो रहा। 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है, हो रहा है। एक ही नंबर है, यस, तो 4 से एक ही नंबर स्टार्ट हो रहा है, 44, यहाँ पर लिख दिया हमने 44। उसके नीचे 4 से पहले क्या आता है, 3। 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है नंबर, यस हो रहा है, 34, ठीक है। और उसके नीचे आ जाएगा 8, क्योंकि वो सिंगल डिजिट है, वो सबसे एंड पे आएगा। तो अब आ गया हमारा नेक्स्ट वाला, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप करेंगे ये वाला, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा है, आप एक बारी बोलेंगे फिर मैं आपके पीछे बोलूँगी, ठीक है। 26, 61, 33, 7, 4, 46, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा कि सिंगल डिजिट के हमारे पास 2 नंबर्स हैं, है ना। तो सिंगल डिजिट पर फिर भी हमने सिंगल डिजिट को कुछ नहीं करना, हमने उसके नीचे अंडरलाइन ही उसको कर देना है, क्योंकि ये एंड में आएंगे हमारे, तो हम एंड में देखेंगे कि हमने पहले कौन सा लिखना है और बाद में कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है, फर्स्ट जो हमारा डिजिट है वो देखेंगे 2। 2 से ऊपर क्या होता है, 6 पे आएंगे, 6 जो है वो 2 से बड़ा है, हाँ, तो 26 को छोड़ दें, क्योंकि अब हमारा 6 पे आ गया, पूरा हमारा अटेंशन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि 2 से बड़ा होता है 6। तो 6 आ गया, 6 से उसके बाद आ गया 3। 3 जो है वो 6 से बड़ा होता है, नहीं छोटा होता, छोड़ दो, हमारा 6 पे ही है, है ना, पूरा अटेंशन। उसके बाद क्या, ये दोनों नंबर तो हमने छोड़े हुए हैं क्योंकि एंड में आएंगे, और ये है 46। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 भी जो है वो छोटा है 6 से, तो सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा बताइए, यस 61, वेरी गुड, ठीक है। अब 6 से बैक काउंटिंग जाएंगे तो क्या आता है, 5। 5 से कोई नंबर है, नहीं है। 4 से कोई नंबर है, यस है, और 4 से एक ही है, यस एक ही है, तो क्या आएगा यहाँ पे, 46। चलिए अब आप बताइए नेक्स्ट कौन सा आएगा, वेरी गुड 33, वेरी गुड। उसके नीचे, वेरी गुड 26। अब हमने क्या देखना है, इन दोनों में से जो बड़ा है पहले वो लिखेंगे, छोटा सबसे एंड में, तो कौन सा आएगा यहाँ पे नंबर, 7, वेरी गुड, और उसके बाद 4। तो ये हमारा कैसे हो गया, ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, आपने लिखा अच्छे से ना, मतलब आपने किया मेरे साथ, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे, पहले आप नंबर बोलेंगे उसके बाद मैं बोलूँगी। 55, 23, 80, 59, 49, 94, वेरी गुड। आपने बोला ना पहले, मैंने ठीक बोला फिर आपके पीछे पीछे, ठीक है। तो अब बताइए इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब देखिए खुद से।